2 सितंबर 2021 की जारी अधिसूचना के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं धन्यवाद साहब, कटहरे आप देंगे? आप देंगे, अच्छा आप ठीक, हमारे पर लालचंद जी कटहरे लिखा हुआ है, जब पूछ आप इजाजत हो तो बोल लूँ। मेरे कागज़ पे लालचंद जी कटहरे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, वो मुझसे पूछा था भाई आप बोलेंगे वो बोलेंगे, आपकी इजाज़त तो ज़रूरी है ना, आप मुझे परमिशन लेंगे जब ना आप मुझे परमिशन लेंगे जब ना मैं परमिशन लेना चाहता हूँ, आप दे दी आपको परमिशन। दो सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व वर्तमान मंत्री राज्य मंत्री व पूर्व वर्तमान लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य विधानसभा सदस्य व पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर पूर्व व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष पर कृषक परिवार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की एक अधिसूचना जरूर निकली है और जिसमें आपने पूछा है कि कृषक परिवार में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया इन लोगों को, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस राजपत्र में राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो बिजनेस एंड एग्रो एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019 के अंतर्गत कृषक की परिभाषा निम्न है। कृषक किसे कहेंगे ये परिभाषा उसमें दी गई है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति का है जो सक्रिय रूप से फसल उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों को के उत्पादन से संबंधित आर्थिक तथा आजीविका गतिविधियों में संलिप्त हो, जिसकी आजीविका पूरी किसानी कार्य से ही हो उसकी आजीविका चलती हो, उसको कृषक माना गया है। अधिसूचना 2021 वाली में दो नवंबर 2021 में मध्य संख्या 8 में परिभाषा खंडक में कृषक की परिभाषा के पश्चात भारत सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना के प्रावधानों के आधार पर नया प्रोविजन जोड़ा गया, ये भारत सरकार ने जो किसान सम्मान योजना बनाई उसमें जो कृषक की परिभाषा दी गई है उसके वजह से ये प्रोविजन जोड़ा गया है। हूबहू भारत सरकार ने इन लोगों को कृषक माना ही नहीं है। किन लोगों को नहीं माना? सभी प्रकार के भूमि धारक संस्थान, ऐसे कृषक परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हों, ये श्रेणी में बताता हूँ आपको, पूर्व व वर्तमान संवैधानिक पद धारक, दूसरा है पूर्व व वर्तमान मंत्री राज्य मंत्री पूर्व वर्तमान लोकसभा सदस्य लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा के सदस्य पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर पूर्व व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष, इन लोगों को भारत सरकार ने कृषक नहीं माना। इसके बाद और भी हैं, केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों कार्यालयों विभागों एवं इनसे संबंधित केंद्रीय या राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं तथा सरकार के अधीन कार्यरत संबंध कार्यालय स्वायत्तशासी संस्थान एवं स्थानीय निकायों के सभी नियमित सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी को कृषक नहीं माना। इसके अतिरिक्त ₹10,000 प्रतिमाह से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी अर्धवार्षिकी प्राप्त सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को भी कृषक नहीं माना। गत 3 वर्षों से किसी भी वर्ष में आयकर चुकाने वाले व्यक्ति को भी कृषक नहीं माना। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील,
चार्टेड अकाउंटेंट एवं वास्तुकार जैसे पेशावर जो कि पेशावर संस्था में पंजीकृत हो तथा पेशावरान कार्य कर रहे हों, इनको भी कृषक नहीं माना। ये भारत सरकार ने जो किसान सम्मान योजना में जो कृषक की परिभाषा दी कि कृषक कौन होगा जिसकी आजीविका का पूरी कृषि कार्यों पर जो है वो निर्भर करती हो, कृषक कौन नहीं होगा जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया। अब कृषक की परिभाषा में परंतु जोड़ने से कोई भी परिवार योजना का लाभ सरकार के राज्य सरकार क्या देती है? राज्य सरकार तो ये देती है कि किसी ने अगर एग्रो इंडस्ट्री के लिए कोई बना लिया या वेयर हाउस के लिए कोई चीज़ बना ली या अगर इसकी आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के लिए कोई ना कोई चीज़ बना ली तो उस पर जो है राज्य सरकार सब्सिडी देती है 50% की कृषक को, ओनली कृषक को। कृषक की परिभाषा में परंतु जोड़ने से कोई भी परिवार योजना का लाभ के मतलब कैपिटल सब्सिडी से वंचित नहीं हुआ। नीति के प्रावधान के अनुसार कृषक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, अब ये देखिए आप, उन्होंने तो क्या किया है भारत सरकार ने, आप सुन रहे हैं, भारत सरकार ने किसान सम्मान योजना मिलेगा क्या 6,000 रुपट्टी एक साल की। मान्य देश अंकित नहीं होगा मान्य देश, आपकी दोस्ती यहाँ मत करो, गलत परंपरा। आप बोलो, मतलब 6,000 रुपये का तिलक करके उसका सम्मान कर दिया साल में एक बार। राजस्थान सरकार क्या कर रही है, जिसको कृषक नहीं माना, जो 50% सब्सिडी लेने का हकदार था लेकिन जो कृषक नहीं है उसको भी 25% सब्सिडी देने के लिए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला। मान लीजिए एक कृषक है, कृषक की परिभाषा में वो, उसकी पत्नी और उसका नाबालिग लड़का, कुल मिला के ये आ गया। अब एक लड़का बड़ा हो गया, बड़ा होकर के वो जो है अमेरिका चले गए इंजीनियर बन करके, कृषक की मृत्यु हो गई, वो आया यहाँ पर वापस, आकर के उसने म्यूटेशन अपने नाम खुलवा लिया, तो भी उसको 25% मिलेगा, तो भी 25% राज्य सरकार देगी। भारत सरकार क्या देगी, 6,000 रुपये का तिलक। कृषक श्रेणी का आवेदक 50% कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र है। अभी जो प्रोविजन जोड़ा गया है उससे कृषक की परिभाषा में स्पष्टता आने के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वह परिवार जो पूर्णतः कृषि आय पर निर्भर है वही योजना के मंतव्य के अनुसार उच्चतर लाभ कितना है 50%, 50% कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर पाएगा। इस नीति में परिवार की परिभाषा भी दी गई है जो मैंने आपको बता दी। परिवार की परिभाषा में ये स्पष्ट लिखा है कि संवैधानिक पद वगैरह वगैरह ये सब मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, दोबारा से कहने की जरूरत नहीं है। इस संशोधन का उद्देश्य यह है, मोटे तौर पर इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि उच्चतर लाभ अर्थात 50% केवल कैपिटल सब्सिडी केवल उन परिवारों को मिले जो केवल कृषि आधारित आय पर निर्भर हो। ठीक है, मंत्री जी का बयान ये कह रहा है कि हम सिर्फ उन किसानों को फायदा देंगे जो दूसरा कोई लाभ नहीं ले रहा है। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, मेरे 4 बीघा जमीन है, मैं MLA बन गया, इन गिरदारी जी खेत में ही अभी तक टिड्डी उड़ा रहे हैं, मुझे किसान क्यों नहीं मानेंगे? आप ये कह सकते हो आपको ये लाभ नहीं देंगे, आप अधिसूचित करके कैसे कह सकते हो मैं किसान नहीं हूँ? ये भारत सरकार ने कह दिया, इसका मतलब आप भी कह दोगे। दूसरा एक छोटा सा निवेदन है, ऐसे किसी बैंक से किसी फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई वेयर हाउस लगवाने के लिए लोन दिलवा दीजिए किसान को जिसने 3 साल आयकर रिटर्न नहीं भरा हो। कोई बैंक KCC नहीं दे रहा साहब, किसी किसान ने KCC सरकार के फायदे से पैसे जमा करवा दिए 50% फायदे में, 2-2 साल उसकी सिविल ठीक नहीं करते। ये साहब हवाई आदेश है,
मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि आप हमें कर्षक मानिए, आप जनप्रतिनिधि को कर्षक से परिभाषित दूर मत कीजिए। आप हमें फायदा जो नहीं देना चाहते, हम मानते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को, आखिरी आदमी को न्याय मिले, हम इस बात की पैरवी करते हैं, लेकिन आप परिभाषित करके हमें कर्षक के अधिकार से वंचित मत करिए। ये मेरा निवेदन है आपसे और मंत्री जी से और सरकार से। हम किसान हैं, किसान की बात करते हैं। आप अगर ये कह दोगे कागज में कि आप किसान नहीं हो, अब आप एक बात करिए, आप डिग्गी के लिए कह रहे हैं साहब डिग्गी बनाइए ज्यादा से ज्यादा जिससे पानी का बचाओ, आप फूड प्रोसेसिंग के लिए, आप एमएलए को वंचित कर रहे हो, आप एमपी को वंचित कर रहे हो, आप जिला प्रमुख को वंचित कर रहे हो, आप पूर्व सांसद पूर्व एमएलए को वंचित कर रहे हो, आप अधिकारियों को वंचित कर रहे हो। और उस किसान के पास तो ये बात ही नहीं पूछे कि फूड प्रोसेसिंग क्या है वेयर हाउस। अब जब पिछली बार सरकारी खरीद बढ़ी और जब वेयर हाउस की जरूरत पड़ी तब हमने जाकर के लोगों को कहा कि वेयर हाउस बनाइए, नहीं तो वेयर हाउस आम किसान कहां जानता है वेयर हाउस। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस आदेश को पूर्ण रूप से संशोधित करके जनप्रतिनिधियों कर्षक मानिए, लेकिन जो आखिरी आदमी को चीज मिलनी चाहिए उसके लिए आप और राइडर्स पैदा कर सकते हैं, किसान होने के अधिकार से वंचित मत करिए। माननीय मंत्री जी, कृषक सम्मान योजना सब्सिडी की योजना है, यह है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के एक दिन। उस क्वालिफिकेशन को इस क्वालिफिकेशन से जोड़ने से सामंजस्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। एक किसान का जमीन का, उसका घर का, परिवार का आदमी कोई बिजनेस लगाना चाह रहा, उसकी सब्सिडी दे रहे हैं आप, तो बाकी को तो दे रहे हैं 50% सब्सिडी, इन लोगों के परिवार के लोगों को आप 25% सब्सिडी दे रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए उस योजना का इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है सरकार इस पर गौर करे, इनको भी 50% सब्सिडी का एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इसका कोई संबंध किसान समाज से नहीं है, क्योंकि आप एक एमएलए है, उस एमएलए की जमीन है, उस जमीन के उसके लड़के हैं, उसके लड़के की जमीन खाते में नहीं और लगाना चाहता प्रोसेसिंग यूनिट, आप उसको डिप्राइव करें 25% देंगे और दूसरे आदमी उसको 50% सब्सिडी देंगे। तो ये जो आपने जो पॉलिसी बनाई है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिए बनाई, इसलिए किसान सम्मान निधि का इसका कोई संबंध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गंभीरता से सोचें, दोनों चीज़ों को इक्वेट नहीं करें, इनको बिल्कुल इससे अलग निकालें, और सारे इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस वेदर वो किसान एमएलए है, प्रमुख है या नहीं है, यदि वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करना चाहता है तो उसे 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि ये तो मोटे तौर पर भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके प्लीज, भारत सरकार की गाइडलाइंस नहीं है, एक में बैठे आप, भारत सरकार की गाइडलाइंस कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है, क्योंकि इन इन लोगों को हम सब्सिडी नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने सम्मान निधि दी। ये तो राजस्थान सरकार ने एग्रो प्रोसेसर यूनिट को प्रमोट करने के लिए योजना बनाई है, उस योजना में ही वो डेफिनेशन रख दी। इसलिए मेरा निवेदन है दो चीज़ों को अलग अलग करें। सरकार ने न केवल इसके, बल्कि जो एग्रो प्रोसेसिंग की यूनिट डालता है, कोई वेयर हाउस बनाता है या कोई आपका एक्सपोर्ट के लिए कोई काम करता है, तो उसके लिए कई प्रोविजंस कर रखे हैं। इसमें डिफरेंस मेरी बात मेरी मैंने सुन लें सर, उसके बाद आप या बैठ जाऊँ, आप बोल रहे हो आप बैठ जाए, बोली कोई तकलीफ नहीं मैं ये आप बैठना चाहते बैठ जाए, मैं तो रोक सकता हूँ, आप बोल आप बैठना चाहते आप रोक सकते हैं, मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ था, नहीं मैं तो ये आप बैठना चाहते बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ थोड़ी, मैं थोड़ी खड़ा हुआ था आप मुझे पूछे बैठ जाऊँ, मैं आपकी चॉइस है, आप बैठना चाहते बैठे, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि आप खड़े हो जाते हो तो बोर्ड बैठना पड़ता है ना, तो इसलिए पूछ रहा था। मेरा निवेदन है कि ये तो आपका सिर्फ 50% और 25% का ही किस्सा है, कृषक की जो परिभाषा उन्होंने मानी है वो कि वो कृषक की परिभाषा आपने मानी है। अब अगर मान लीजिए कृषक की परिभाषा नहीं माने उनकी, या जो कुछ भारत सरकार ने लिखा है ये लोग कह दें कि साहब भारत सरकार की बात मत मानो, नहीं मानेंगे, कह दें ये कि भारत सरकार की बात मत मानो आप, हम सब कह रहे हैं, जुम्मेवारी से कह रहे हैं इस मामले के अंदर, एंटरप्रेन्योर के मामले में मत मानो। अब सवाल ये आता है कि जहाँ तक ये बात के लिए, तो जो एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए जाना चाहता है, प्रमोशन के लिए जाना चाहता है, वेयर हाउसेस के लिए जाना चाहता है,
उनके लिए तो राजस्थान सरकार ने इतना प्रोविजन किया है कि उनको 50% पे तो जमीन मिलेगी, उन पे उनको जो है लैंड यूज के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, भवन निर्माण के कार्य चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लीज मनी जो है माफ कर दी गई। ये सारी की सारी प्रोविजन किसने की? भारत सरकार ने नहीं की, राजस्थान सरकार ने की है कृषक के लिए। अब सवाल ये है कि इस डेफिनेशन में ये लोग आ गए, इन लोगों को आ गए तो भी कोई ये नहीं है कि साहब इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। 25% तो फिर भी दे रहे हैं उनको। एक इंजीनियर है, अब वो इंजीनियर जो है क्या नाम, इंजीनियरिंग तो वहाँ से भी पैसा कमा रहा है। एक वो पेंशनर है, वो पेंशनर भी ले रहा है। भारत सरकार ने तो चतुर्श्रेणी की कर्मचारी के लिए भी लिख दिया था कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी को हमने नहीं लिया इसमें। भारत सरकार ने तो पता नहीं क्या क्या किया है। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर फिर भी आप ये समझते हैं, हाउस ये समझता है कि साहब इस पर पुनर्विचार किया जाए, हम तो पुनर्विचार करने की कोई दिक्कत नहीं। माननीय मंत्री जी, आपका आपका क्या आदेश है? आप तो ये फरमा दो ना, आप बैठो तो दो मिनट आदेश देता हूँ मैं। हाँ तो मैं बैठ जाता हूँ। माननीय बैठे, मान से बैठे प्लीज, माननीय बैठे, रोज बैठे प्लीज बैठे। मैं फिर माननीय मंत्री जी, मेरी जिम्मेदारी है एक अध्यक्ष की हैसियत से एमएलए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मेरी जिम्मेदारी है एमएलए को प्रोटेक्ट तो नहीं हो रहे तो उनके लिए आपको सरकार को डायरेक्शन देना। मैं फिर आपसे निवेदन किया है, कृषक की परिभाषा सब्जेक्ट टू कृषि सम्मान निधि के लिए उन्होंने की है, जनरल कृषक को डिप्राइव नहीं किया। भारत सरकार ने एक पर्टिकुलर योजना का लाभ देने के लिए कृषक कौन कौन है उनको डिफाइन किया, सबको कृषक को डिफाइन नहीं किया। मेरा आपसे ये निवेदन है, सरकार को मैं निर्देश देना चाहता हूँ, सरकार को मैं निर्देश देना चाहता हूँ कि सरकार कृषक की ये परिभाषा जो कृषि सम्मान योजना को इसके बराबर मानी, इसको डिलीट करे, और जो भी राजस्थान में जिस तरह के जो आदमी है उनको 50% सब्सिडी दूसरी तरह की मिल रही है, वैसी सब्सिडी सबको मिलनी चाहिए। आप खड़े होकर बोलोगे तो बैठे बैठे तो होगा नहीं। आपने दो बार तो निवेदन कहा, आदेश नहीं कहा। आखिर में जब आपने मेरी तरफ देखा तब जाकर के आदेश कहा। अब आदेश कहा तो आदेश मान लेंगे आप। मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं आपकी सीनियरिटी का सम्मान कर रहा था, बाकी पहले आदेश दे सकता था। चर्चा समाप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक, ये जो रीट की परीक्षा हो रही है, लगभग 15 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे। इनको सेंटर एक को किसी को 1000 किलोमीटर, किसी को 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दिया है, उसके कारण से आने जाने में भी दिक्कत रहेगी, वहाँ ठहरने की दिक्कत रहेगी, होटल उपलब्ध नहीं होगी, ठहर नहीं सकते। उसमें पुरुष भी है, महिलाएं भी है। मैं सोचता हूँ कि इस पर संवेदनापूर्वक विचार करना चाहिए। ये ज़रूर है कि आपके पेपर आउट हो रहे हैं, नकल हो रही है, इस बात को मैं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब इतना दूर नहीं हो, कम से कम उस ज़िले में ही कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर दिया जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भेज दें शहर वालों को इधर ले आएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उदयपुर के आदमी को आप कोटा, जोधपुर और बीकानेर लगा रहे हैं, तो उनको आने जाने में भी दिक्कत होगी, और दूसरा होटल नहीं मिलेगी, ठहरना नहीं मिलेगा, कैसे तो वो वहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, और इतना खर्चा लग जाएगा बिना बात के ही। मैं सोचता हूँ आपकी